प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 दिवसीय दौरे के तहत जर्मनी की राजधानी पहुंचे तो वहां प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपने प्रधानमंत्री के स्वागत में प्रवासी भारतीयों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान प्रवासी भारतीयों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। रिपोर्ट दिखाते हैं। जर्मनी में पीएम मोदी का स्वागत, बर्लिन में वंदे मातरम। पीएम मोदी यूरोप के 3 दिवसीय दौरे के तहत जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। मोदी मोदी के नारे लगाए। क्या बच्चे क्या महिलाएं, सभी पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। इस दौरान पीएम मोदी के स्वागत में पहुंचे लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। पीएम मोदी ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं एक शख्स ने शिवाजी के भेष में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी सभी भारतीयों से मिले। मुलाकात के दौरान पीएम ने नन्हे मुन्ने बच्चों से भी गुफ्तगू की। पीएम मोदी को एक बच्चे ने गाना सुनाया। इस दौरान पीएम मोदी बच्चे के गाने पर ताल मिलाते नजर आए। बच्चे की तारीफ भी की। वाह वाह। इसके बाद पीएम मोदी बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलाफ शोलेस से मिलने पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ के साथ विस्तृत द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पीएम मोदी का यह दौरा अहम माना जा रहा है। 3 मई को पीएम मोदी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 3 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा था और यह पहला दिन जहां गर्मजोशी से स्वागत किया गया बर्लिन में। एक छोटे से ब्रेक ले, यहां पर रुक रहे। मेरा राज्य मेरा देश आगे भी जारी है। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे फौरन। बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।